गया बलिनो बेस मॉडल। और देखो भाई फुली कन्वर्जन करा गया भाई, वाली बोनेट डैम्प जो होती है ना वो करी है हमने। लेक्सस टाइप ग्रिल इंस्टॉल करे हैं, 1500 रुपए रहने। अंडर बॉडी स्पॉइलर लगाए, टॉप मॉडल वाले इसमें बेजल इंस्टॉल करे। टेस्टिंग एलिमेंट्स पे अप टू 85% तक ऑफ देखना कर रही है, वो है इसके अलावा ऑटो फोल्डिंग मिरर्स अपग्रेड करेगी 7000 रुपए में टॉप मॉडल वाले। पार्सल ट्रे जेन्युइन अपग्रेड करी गई है, फुल एक ब्लैक थीम और माफिया फील जिसको बोल सकते हैं भाई वो पूरी अपग्रेड करी गई है। एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर्स है, 2700 रुपए। पूरी रूफ अपनी ब्लैक कन्वर्ट करी गई है। स्टेयरिंग इसमें डेल्टा ऑटोमेटिक वाला रहती, टू जेट काम करो डेल्टा ऑटोमेटिक वाला स्टेयरिंग फ्री लेके जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्विटर साइज फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी वाटर गार्ड रिंग परफ्यूम कपड़ा सारी आइटम फ्री ऑफ कॉस्ट। जेन्युइन वाला ही पूरा अपग्रेड करा गया। आज के वीडियो में शोकेस करने वाले भाई आपको बेलिनो बेस वेरिएंट, साथ में बबलू भाई क्या हाल चाल भाई? बढ़िया जी, क्या लेके अपनी ऑडियंस के लिए? अपनी ऑडियंस के लिए फिर से लेके आ चुके हैं बलिनो बेस मॉडल जिसको हम सिग्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिग्मा वेरिएंट आया हुआ है, इसमें दिखाने लगा भाई फुली कन्वर्जन ए टू जेड है ना, बेस टू टॉप है, टॉप से भी ऊपर काफी चीजें इंस्टॉल कर रही है जो कि टॉप मॉडल्स में भी नहीं आती। जैसे भाई एक टॉप नॉच क्वालिटी इंटीरियर, रूफ ब्लैक, हर चीज होने वाली है इस गाड़ी के अंदर, तो कितनी बेहतरीन बनने वाली है गाड़ी। और वीडियो के एंड में प्राइसिंग भी डिस्क्लोज करते हैं, बाकी प्यार मोहब्बत तो मिल ही रहा है फ्रंट से लेके बलिनो से लेके स्विफ्ट तक। ठीक है भाई, अब बात कर ले फ्रंट में क्या कुछ चेंजेस करने वाले हैं। फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं टॉप मॉडल में ना जाते हुए, टॉप मॉडल की एलईडी जो आती है 55-60 वॉट्स आती है, ब्राइटनेस नहीं होती। स्टॉक हेडलाइट्स में ही 360 वॉट की एलईडी इंस्टॉल करने वाले जिसकी 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी। प्लग एंड प्ले है, प्लग एंड प्ले प्रोसीजर रहने वाला है और वो हम दिखाएंगे अभी आपको। ठीक है, इस गाड़ी में या कोई भी गाड़ी में जो हम वॉक करते हैं कहीं से 1% भी कोई भी जेन्युइन कंपनी के वायरिंग ना तो फिल करते हैं और ना ही काटते हैं। ठीक है, ग्रिल में चेंजेस क्या कर रहे हैं भाई? ग्रिल इसमें स्टॉक ही छोड़ के इसके ऊपर आरएस जो ग्रिल आता है वो हम इसमें लगा रहे हैं, थोड़ा हमें ना हैवी लुक देनी है इस गाड़ी की, हैवी लुक दे, जिसमें हम लेक्सस टाइप बोलते हैं ग्रिल। ठीक है, बाकी जेन्युइन टॉप मॉडल की चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, वो भी उसकी भी प्राइसिंग डिस्क्लोज करेंगे, टॉप मॉडल्स वाली भी है। बाकी बात करें नीचे फॉग लाइट्स में, फॉग लाइट में ना जाते हुए जो कंपनी देती है वो एलईडी भी देती है, वो 25-25 वॉट होती है। ठीक है, और पहले जो देती थी वो हैलोजन सेटअप देता था जिसका हैलोजन जो रोशनी के कारण पिघल जाता था। प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, प्रोजेक्टर फॉग लाइट इसमें लगा रहे हैं, आईपीएच के जेन्युइन प्रोजेक्टर, वो भी एचडी लेंस ब्लू लेंस वाले। ठीक है, उसी में इसमें एलईडी भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं 220 वॉट। साथ में रिम्स आ रहे हैं इस वेरिएंट में, क्या कुछ चेंजेस करने वाले हैं रिम्स में इसमें हम? बाकी बात करें अलॉय व्हील की, तो अलॉय व्हील के तो अपने पास काफी सारे ऑप्शंस है, बाकी फिलहाल इसमें हम अलॉय व्हील इन्हीं के X2 वाले जो अलॉय व्हील है वो अभी आपको लुक देखा भैया के पास है, पहले से ही भैया के पास वही इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर मार्केट अपग्रेड करना है, बाकी अपने पास जेन्युइन भी मिल जाते हैं। जेन्युइन कॉस्टिंग आइटम बता देंगे, बाकी भाई यहाँ पर ये आता है इंडिकेटर हट जाएगा, ऑटो फोल्डिंग लगा देंगे, ऑटो फोल्ड मिरर भी इसमें कर रहे हैं, बेस टू टॉप तो टॉप से भी काफी ऊपर, ऑटो फोल्ड भी जेन्युइन इसमें प्लग एंड प्ले वाले लगा रहे हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा अंदर से दिखा दूं भाई, यहाँ पर अंदर में भी भाई गेट्स पूरे ओपन कर, अंदर से वही प्रीमियम सेगमेंट्स में पहले तो दरवाजे में जैसा सबसे ज्यादा मारुति की गाड़ियों में किसी भी ब्रांड्स में जो जरूरत होती है डैम्पिंग, जो क्वालिटी ब्रांड्स यूज करती है वही सेम क्वालिटी रहने वाला है। ये एल्युमिनियम शीट नहीं है, कपड़े की शीट आती है जो कि ब्रांड्स यूज करती है बीएमडब्ल्यू में। अभी आउटर सरफेस भी कवर करेंगे, हाँ डुअल लेयर डैम्पिंग हो रहा है और ये डैम्पिंग गारंटी वाली है, वारंटी कंपनी खुद ही क्लेम करती है। बाकी इसमें स्पीकर्स की बात करें, स्पीकर भी इंस्टॉल कर रहे हैं, इन हैंडल वगैरह सारे इंस्टॉल कर रहे हैं, और भाई इसमें एसी वर्किंग भी कर रहे हैं, रियर एसी भी वर्किंग कर रहे हैं। और अभी देखो भाई बीच वाला पार्ट पूरा खुल चुका है, एसी वर्किंग अपग्रेड करेंगे इसके अंदर आर्मरेस्ट के साथ, बाकी एंड्रॉइड नहीं आता इस वेरिएंट में, एंड्रॉइड कौन सा अपग्रेड कर रहे हैं? एंड्रॉइड इसमें ना जाते हुए इसमें हम हार्मन का जो टॉप मॉडल्स में आता है वायर्ड कार्प्ले एंड्रॉइड ऑटो का जेन्युइन सिस्टम, मतलब जेन्युइन स्टीरियो अपग्रेड करने वाले, जेन्युइन स्टीरियो अपग्रेड करने वाले भाई, देख लो जेन्युइन स्टीरियो भी आपको मिल जाएगा। स्टीयरिंग में चेंजेस क्या कर रहे हैं भाई इसमें? स्टीयरिंग इसमें चेंज करने वाले हैं भाई, टॉप मॉडल वाले स्टीयरिंग लगाएंगे, टॉप एंड वेरिएंट वाला। ठीक है, बाकी इसमें डोर में इंटीरियर फुल्ली इंटीरियर हो रहा है, गाड़ी फुल्ली इंटीरियर, बाकी साइड हैंडल भी पेंट हो रहे हैं और काफी आइटम हाइड्रो डीपीएम वगैरह के भी काफी चीज किए जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बैक से दिखा दूं, बैक में रॉ फिनिश कुछ आती है, स्पॉइलर लगेगा भी यहाँ पर, स्पॉइलर लगेगा जेन्युइन वाले, पेस्टिंग वाले ये नहीं है, जेन्युइन है जो जो नट से अपग्रेड होते हैं। ठीक है, बाकी भाई इसमें रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन है, पार्शियल ड्राइव वगैरह है, बूट लाइट वगैरह है ही, बाकी रिफ्लेक्टर भी अपग्रेड। ठीक है, बाकी अभी के लिए यहाँ पर देख लो पूरी ये लुक है गाड़ी की,
ये पूरी बेस वेरिएंट आई है थोड़े दिनों में, टॉप से भी ऊपर बन जाएगी। सीट कवर भी कस्टमाइज किए जा रहे हैं इसमें। और बबलू भाई थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर ये सारा काम करवाना है तो भाई आना कहाँ है? अपने क्लासिक कार डेकोरा बबलू भाई के पास, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट। बाकी जेन्युइन पार्ट पे कितना परसेंट डिस्काउंट? जेन्युइन पेस्टिंग एलिमेंट्स पे जो नेक्सा के थ्रू आता है उस पे अप टू 85% तक का ऑफर है। 85 पेस्टिंग एलिमेंट्स, पेस्टिंग एलिमेंट्स पे ओनली, ठीक है। बाकी भाई वीडियो के एंड में तो प्राइसिंग हम ए टू जेड डिस्क्लोज कर देंगे, बाकी गाड़ी का होने से कंप्लीट फिर एक फाइनल लुक आपको चेकआउट कराता हूं। फाइनली भाई यहां पर अपनी बलेनो हो चुकी है रेडी, साथ में है बबलू भाई। कंप्लीट भाई सारा काम? सारा काम कंप्लीट। बेस वेरिएंट आई थी? बेस वेरिएंट आई थी जिसको हम सिग्मा के नाम से जानते हैं। और देखो भाई फुली कन्वर्जन करा गया भाई। बबलू भाई सबसे बड़ी बात कर ले यार, ये बोनट क्यों खोल रखा है यार? बोनट वही जो गाड़ी नॉइज कैंसिलेशन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, फोम वाली बोनट डैम्प जो होती है ना, वो करी है हमने इसमें, इसलिए दिखाने के लिए। तो भाई ये देख लो, इसके बाद मतलब बिल्कुल साइलेंट कैबिन हो जाएगा यहाँ पर अपना इंजन का भी, है ना? काफी हद तक साइलेंट हो जाएगी गाड़ी, ठीक है, बिल्कुल साइलेंट कैबिन। साथ में भाई फ्रंट में बात कर ले, क्या कुछ चेंजेस करेगा इसके अंदर? फ्रंट में इसमें लेक्सस टाइप ग्रिल इंस्टॉल करे हैं। इसकी जो प्राइसिंग की बात करें तो मात्र और मात्र 1500 रुपए रहने वाली है। अगर बात करें, और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज कंफर्म कर दूं, ये जितनी भी प्राइसिंग रहने वाली है सारी बेस टू टॉप वाले भाइयों के लिए रहने वाली है, जो टू ए टू जेड अपने काम अपने स्टोर से कराते हैं उनके लिए रहने, ठीक है। मतलब पूरी प्राइसिंग ए टू जेड डिस्क्लोज करने वाले इस वीडियो के अंदर। ग्रिल दिखा दिया भाई, सबसे ज्यादा लोग जो एनहांस कर रही है वो अपनी फ्रंट एंड ग्रिल। बाकी इसमें जेन्युइन वाली भी अपने पास दोनों अवेलेबल है, दोनों के दोनों ग्रिल आपको मिल जाएंगे 2200 रुपए की कॉस्टिंग रहने वाली, ठीक है। फ्रंट में भाई ये अंडरबॉडी स्पॉइलर भी लगाया, अंडरबॉडी स्पॉइलर लगाया जो कि लुक्स काफी ही गाड़ी का आगे एनहांस कर रहा है। ब्लैक ग्लॉसी और ब्लैक ग्लॉसी काफी मैचिंग मैचिंग सा लग रहा है। कॉस्टिंग की बात कर ले भाई, इसकी इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो ये पेस्टिंग वाले एलिमेंट्स ना है, नहीं है, ये है तो नेक्सा ही, लेकिन ये ठीक है, स्पेयर पार्ट्स के थ्रू आते हैं ये, तो इस पे 25% तक आपको 25% MRP पे 25% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ में फॉग लाइट्स नहीं आती इस वेरिएंट के अंदर, इसके अंदर फॉग लाइट्स नहीं आती। जेन्युइन टॉप मॉडल वाले इसमें बेजल इंस्टॉल करे हैं क्रोम फिनिश में, वो भी टॉप मॉडल्स वाले, और इसी के साथ IPS प्रोजेक्टर लगाए हैं HD लेंस वाले, जो कि आपको क्लियर दिख रहे होंगे, जो कि IPS की जेन्युइन की पहचान है, ठीक है भाई। इसमें 300 वाट की LED इंस्टॉल करी है जिसकी रोशनी दिखा दे भाई, भाई ऑफ करना एक बार, तो भाई ऑफर ऑन करना एक बार। तो फ्रंट में फॉग लाइट पे भी आप इजी टू ड्राइव है, मतलब रात के टाइम भी अच्छा खासा सेटअप आपको मिलने वाला है। गाड़ी में अगर हेडलाइट नहीं जाना फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फॉग लाइट्स ही इतनी रोशनी दे देगी कि आपको हेडलाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हेडलाइट में चेंजेस की बात कर ले भाई, स्टॉक ही रखे गए, इसी के प्रोजेक्टर्स हेडलैम्प्स में 360 वाट की LED इंस्टॉल करी है। तो पूरा फ्रंट पे देख लो भाई कितना ज्यादा ब्राइट सेटअप है, मतलब अच्छा खासा ब्राइट सेटअप अपग्रेड करा गया इसके अंदर। सब चीजें प्लग एंड प्ले है, सारी चीजें प्लग एंड प्ले रहने वाली है, और सारी चीजें भैया तो अपने जो है वो तो बताएंगे लास्ट, ठीक है। साथ में भाई ये बम्पर प्रोटेक्टर, फ्रंट एंड रियर बम्पर प्रोटेक्टर जो कि काफी लुक इनहेंस कर रहा है, ग्लॉस ब्लैक में रहने वाला है। अपने पास हर एक आइटम जाते बलिनो का सारी आइटम्स ही अवेलेबल है भाई। पेस्टिंग एलिमेंट पे कितना परसेंट डिस्काउंट? पेस्टिंग एलिमेंट्स पे अप टू 85% तक का ऑफ देखने को मिलता है, ठीक है। साइड वेस में बात कर ले बाबू, क्या कुछ चेंजेस करेगा साइड के अंदर? कर रही है वो है इसके अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील की कॉस्टिंग की बात करें तो मात्र और मात्र 27,000 रुपए में आपका रिंग लेके हम ये अलॉय व्हील देने वाले हैं। बाकी टायर की कॉस्टिंग की बात करें तो हम सिर्फ अलॉय व्हील में डील करते हैं, टायर है, टायर की कॉस्टिंग आपके टायरों के हिसाब से आती है। और बाकी जेन्युइन अलॉय व्हील्स चाहिए भाई, कौन से ऑप्शन मिल जाएंगे? जेन्युइन अलॉय व्हील्स सारे ऑप्शन है, फ्रॉन्क्स, बलिनो और प्रॉपर बलिनो और स्विफ्ट सारे, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से ना इसके अंदर थोड़ा फ्रॉन्क्स वाली लुक जो अच्छी लगती है इसमें देखने के लिए, वाली मात्र 22,000 रुपए, और जो टॉप मॉडल वाली बलिनो वाली वो मात्र 23,000 रुपए, ठीक है। इंडिकेटर हटा दिया भाई, यहाँ पर इंडिकेटर हटा के जी ड्राइव के साइड बेंड्स लगाए हैं जो कि लुक्स काफी इनहेंस कर रही है, स्पोर्टी लुक देती है गाड़ी, ठीक है। ऑटो फोल्डिंग मिरर्स अपग्रेड करे गए, बेस में नॉर्मल आते हैं इसके अंदर, इसमें नॉर्मल आते हैं, डंडी वगैरह नहीं, हाथ से मिरर एडजस्ट करने पड़ते हैं। बाकी इसमें पूरा ही रिप्लेस कर दिया गया है टॉप मॉडल वाले ग्लॉस ब्लैक वाले जो रॉ फिनिश आती है साइड मिरर्स, ठीक है, इसमें इंस्टॉल किए गए हैं प्रॉपर वर्किंग के साथ है। लॉक करने पे आपके मिरर्स भाई यहाँ पर फोल्ड हो जाएंगे। इसे कॉस्टिंग की बात कर ले, कॉस्टिंग की बात करें तो मात्र मात्र 7,000 रुपए में टॉप मॉडल वाले आपके साइड मिरर मिल जाएंगे, वो भी प्रॉपर वर्किंग के साथ, कपले टुकले प्लग एंड प्ले, ठीक है। डोर वाइजर्स इसमें भी जेन्युइन आफ्टर मार्केट है? नहीं नहीं, डोर वाइजर इसमें जेन्युइन अपग्रेड किए हुए हैं, ठीक है। जेन्युइन डोर वाइजर्स अपग्रेड करे गए, ठीक है। लोअर गार्निश, लोअर गार्निश इसमें ABS वाले आते हैं जो इंस्टॉल करे गए हैं। बाकी बात करें हैंडल क्रोम की, ब्लैक फिनिश में हैंडल आता है इसका, इसको हम प्रॉपर बॉडी पेंट में कन्वर्ट करा गया। इसमें भी कई सारी क्वालिटीज है, 500 रुपए से स्टार्टिंग रहने वाली है। बाकी अगर कलर मैचिंग करवाना है तो उसके लिए कलर कोडिंग रहता है जो कि RC
चाहिए होता है तो वो कलर कोडिंग के प्राइसिंग थोड़े हाई रहते हैं। ठीक है, नीचे अपना साइड बेडिंग भी अपग्रेड कर रहा है। साइड बेडिंग अपग्रेड कर चुके हैं जो कि नेक्सा जेनुइन पेस्टिंग एलिमेंट्स पे रहने वाले। ठीक है, थोड़ा सा बैक में बात करते हैं भाई, शार्क फिन एंटीना अपग्रेड करा गया। ठीक है, साथ में भाई अपना बैक एंड का थोड़ा सा लुक एनहांस करने के लिए ये वाला पार्ट पूरा ग्लॉसी फिनिश के अंदर अपग्रेड करा गया। बहुत लुक एनहांस कर रहा है ना देखने के लिए। बैक में बात कर ले, बात करे तो जो इसको स्पॉइलर जो रियर स्पॉइलर आता है इसमें दो क्वालिटी, एक है पेस्टिंग वाली जिसपे अप टू 85% तक ऑफ देखने को मिलता है, और ये है ड्रिल वाली जो जेन्युइन टॉप मॉडल्स में आते हैं ये स्पेयर पार्ट्स में, इसपे 25% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, बाकी इसमें भाई जेन्युइन ना करके नीचे तरफ कैमरा अपग्रेड करें, इसमें ना बहुत नीचे की लुक आती है देखने में। इसी चक्कर में ये जो है कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल करा गया जेन्युइन सिस्टम्स में, यही कैमरा सपोर्टेड है तो यही कैमरा, क्योंकि इसमें सिस्टम भी जेन्युइन अपग्रेड करा गया हमने। 30 डिग्री फिसाई वाले कैमरे सपोर्टेड नहीं होते। ठीक है, बैक में एक रिफ्लेक्टर्स के साथ साथ थोड़ा एनहांस कर रही है। इसमें नॉर्मल्स भी आते हैं लेकिन हम नॉर्मल्स में डील नहीं करते हैं, हम केवल मैट्रिक्स में डील करते हैं, जिसकी कॉस्टिंग की बात करें तो मात्र 1200 रुपए रहने वाली है। ठीक है, ये वाले भाई बैक एंड में भी अपग्रेड करे गए हैं, जो फ्रंट और बैक दोनों के अंदर का किट आता है पूरे ही आगे से पीछे तक, जिसको बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर्स। ठीक है, एक बार बूट खोलना भाई, एक बार बूट अनलॉक करने में आपको चेकआउट कराता हूँ। पार्सल ट्रे जेन्युइन अपग्रेड करी गई है इसके अंदर, जिसमें आपको पूरी ये लुक मिल जाती है, साथ में थ्रेड्स का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी बेस वैन में यहाँ पर कोई लटकाने का ऑप्शन नहीं है, तो आप हुक टाइप लगा सकते हो और अपग्रेड करवा सकते हो। ठीक है, बाकी अंदर जितना भी पुराना सामान उतरा है वो रखा हुआ है, प्लस बूट लाइट लगाई गई है इसके अंदर। अब लो भाई थोड़ा इंटीरियर दिखा दे एक बार। जी, तो इंटीरियर भाई फुल एक ब्लैक थीम और माफिया फील जिसको बोल सकते हैं भाई, वो पूरी अपग्रेड करी गई है, क्योंकि पूरा ब्लैक थीम रखा गया अंदर से देखने के अंदर। ठीक है, डोर से स्टार्ट करते हैं भाई, क्या कुछ चेंजेस करे गए हैं? तो इन दोनों जो पार्ट्स है इस पे सॉफ्ट टच किए गए हैं, जिसको आप क्वालिटी चेक कर सकते हो सॉफ्ट टच की। ठीक है, और ये जो पार्ट्स रहने वाले हैं इसको हम ब्लू टोन में होता है, इसको हम फुल्ली ग्लॉस ब्लैक डिप कर रहे हैं। ठीक है, पूरा ग्लॉसी फिनिश के अंदर कन्वर्ट करेगा डोर वाला पार्ट पूरा अपना। साथ में भाई यहाँ पर ये वाले पार्ट्स पूरे जेन्युइन अपग्रेड करे, जेन्युइन अपग्रेड किए गए हैं, इसमें डिपट वाला नहीं है, ये रिप्लेसमेंट वाले पार्ट्स हैं। रिप्लेसमेंट सीन में कन्वर्ट करा गया वाला पार्ट। इनर हैंडल्स भी भाई अपने ग्लॉसी फिनिश में कन्वर्ट करे गए, मैट के अंदर आते हैं, थोड़ा लुक को एनहांस। पूरा एक ब्लैक थीम चाहिए थी भाई को अंदर से, क्योंकि भाई एक माफिया फील्स लगनी चाहिए गाड़ी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर बात कर ले भाई, ग्लॉस ब्लैक्स में साइड वेंट्स लगाए गए हैं, साइड के क्रोम है, एसी क्रोम्स है, और उसी के साथ ये भी डैशबोर्ड वाला पार्ट भी पूरा अपना। इसमें इंटीरियर में ना जाते हुए, क्योंकि यहाँ से कपड़ा कटिंग करते तो वो निकल जाता है, पेस्टिंग इस पे कामयाब नहीं है इसके डैशबोर्ड्स पे, तो इसलिए हमने इसमें पेंट करा, इसको हाइड्रो डिप जिसको कहते हैं, ये वाला पार्ट पूरा हाइड्रो डिप कन्वर्ट करा गया। साथ में भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं, बेलिनो की स्कफ प्लेट अपग्रेड करेगी, ब्लू लाइटिंग के अंदर आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा देखने के लिए। भाई यहाँ से कार में एंटर करने पे आपको दिखा दूं, बैक एंड वाला मतलब फ्रंट वाला पार्ट पूरा भी ग्लॉसी कन्वर्ट करा गया, सेम फिनिश में बैक एंड डोर भी दिखा दूं, तो ये वाला पार्ट पूरा लुक मिल जाएगा इंटीरियर के अंदर। साथ में ये रिप्लेसमेंट सीन के अंदर कन्वर्ट करे गए। और भाई इधर डैशबोर्ड पे बात कर ले, चेंजेस क्या करे? डैशबोर्ड पे इस पे कपड़ा ही कामयाब है, कपड़ा फिनिशिंग अच्छी दे दी थी, तो इस पे कॉस्टिंग ज्यादा, इसकी कॉस्टिंग ज्यादा थी, इस वजह से डिप में जाना ना जाते हुए इसको सॉफ्ट टच किया गया। ठीक है, ये वाला पूरा लेदर राइट कन्वर्ट करा गया। ठीक है, वो वाले पार्ट पे भाई नहीं रुकता तो भाई ने इसलिए ग्लॉसी कन्वर्ट करवा दिया। देखो मैं लगा दूं और कंप्लेंट है, ऐसा काम करना ही नहीं, क्वालिटी में डील करना है, भले ही 2 रुपए महंगे पड़े लेकिन डील करना है तो सिर्फ ऐसी क्वालिटी में। ठीक है, सीट कवर्स भाई प्रीमियम ब्लैक थीम के अंदर रखे गए हैं, कंफर्ट लेवल अच्छा खासा मिलने वाला है, साथ में एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर्स है, तो इंटीरियर के मैचिंग के हिसाब से सीट कवर भी कस्टमाइज करे गए थे। साथ में जेन्युइन आर्मरेस्ट अपग्रेड करा गया, क्या कॉस्टिंग पड़ती है भाई आर्मरेस्ट की? जेन्युइन आर्मरेस्ट की मात्र 2700 रुपए, एसी चालू करवा के 4500 रुपए, इसमें रियर एसी चालू एक्टिवेट किया गया है। ठीक है, बाकी ऊपर भी दिखा दो, पूरी रूफ अपनी ब्लैक कन्वर्ट करी गई है, साथ में पिलर्स भी ब्लैक, कार के अंदर बैठ जाते हैं एक बार, पिलर्स भी अपने ब्लैक टोन के अंदर आपको एड ऑन मिल जाएंगे भाई देखने के लिए ये वाले पार्ट के अंदर। साथ में भाई ये वाले पार्ट भी और हैंडल्स भी अपने हाइड्रो डिप में कन्वर्ट करा गया, और बैक एंड वाले पार्ट भी पूरा लेदर राइट फिनिश के अंदर कन्वर्ट करा गया, तो रूफ पूरी ये लुक दे रही है आपको। साथ में भाई ये कैबिन लाइट्स नहीं आती इसके अंदर, इसमें कैबिन लाइट्स नहीं आती, तो इसमें हमने कैबिन लाइट्स लगाए हैं, जो कि सनग्लास काफी बंदों की डिमांड है, लेकिन इसमें सनग्लास नहीं लग पाते क्योंकि इसमें जगह नहीं होती, तो इसलिए इसमें लाइट्स के लिए आगे ऑप्शंस नहीं होता, राइट इसको रूफ लाइट बोलते हैं, रूफ लाइट लगाए। ठीक है, तो ये वाले पार्ट्स भी पूरा फैब्रिक के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं। स्टेयरिंग में चेंजेस की बात कर ले भाई, स्टेयरिंग इसमें डेल्टा ऑटोमेटिक वाला रहता है, जो कि हम बोलते हैं ना सारा काम ए टू जेड काम करवाओ, डेल्टा ऑटोमेटिक वाला स्टेयरिंग फ्री लेके जाओ, वही वाला सीन है। तो भाई को फ्री में दिया? फ्री में दिया। ठीक है भाई, कस्टमर से पूछ भी लेंगे फ्री मिला या फिर नहीं मिला। साथ में भाई गियर नॉब फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्विटर सेस फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी वाटर गार्ड रिंग परफ्यूम कपड़ा सारी आइटम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है,
फ्रंट में भाई अपने एसी वाले पार्ट्स पूरे रिप्लेस करेगा, इसके अंदर जेन्युइन अपग्रेड करेगा क्रोम वाले। क्या कॉस्टिंग पड़ती है भाई इनकी? इस क्रोम की मात्र 600 रुपए, 600 रुपए के अंदर मिल जाएंगे भाई। इसमें एंड्रॉइड में बात कर लिया, बेस वेरियंट था एंड्रॉइड, तो नॉर्मल भी नहीं लगाया तुमने तो बिल्कुल कंपनी वाली फील्स दे दिया। हाँ, इसमें टॉप मॉडल्स वाले जो आते हैं उसको अपग्रेड किया है, वाइड कारप्ले एंड्रॉइड जो कि हरमन डील करता है, और इससे जो क्वालिटी जिसको लाइफ, जिनको 5-10 साल जिनको लाइफ ज्यादा चाहिए उनके लिए तो बेटर ऑप्शन ही है। एक बार पैसे फंसाओ और लाइफ टाइम के लिए बेफिक्र हो। ठीक है भाई, ग्लॉसी फ्रेम साथ में रखा गया और जेन्युइन वाला ही पूरा अपग्रेड करा गया, तो जेन्युइन के अंदर पूरी ये मिल जाएगी। तो जेन्युइन एंड्रॉइड जिस भाई को चाहिए जेन्युइन एंड्रॉइड भी अपग्रेड करवा सकते हैं, अच्छी खासी क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। स्पीकर में चेंजेस क्या करें भाई? स्पीकर्स में आगे जो वही जो लगाते हैं वो आ रहे हैं अपने फोकल पास, फोकल आगे कंपोनेंट्स पीछे एक्सल, और प्रीमियम सेगमेंट्स में रैंपिंग होता ही होता है जो कि ब्रांड्स यूज करती है। ठीक है भाई, तो पूरी वर्किंग मैंने यहाँ पर चेकआउट करवा दी है, तो मैं बोलूँ थोड़ा सा खर्चे की बात, कितना खर्चा आया गाड़ी में? इस खर्चे इस गाड़ी का 1.5 लाख से 1.5 लाख के अराउंड खर्चा गया। और भाई ये सारा काम करा तो आना का है अपना प्रीमियम स्टोर क्लासिक कार डेकोरा बबलू भाई के पास आओ, एक बार सेवा का मौका जरूर दो। बाकी जाते जाते कहीं भी किसी के शॉप पे जाओ लेकिन फ्रॉड से बचो, बंदे बुला लेंगे रेट कम देके लेकिन सामान पूरे नहीं लगाएंगे, जेन्युइन के लिए हाथ में लास्ट में हाथ खड़े कर देंगे। इसलिए कहीं भी जाओ पहले सामान सारी निकलवाओ, लिस्ट तैयार करवाओ, डील फाइनल करो, सामान निकलवाओ, उसके बाद काम चलो। और कितना परसेंट डिस्काउंट है जेन्युइन पार्ट्स पे? जेन्युइन जो पेस्टिंग वाले एलिमेंट्स है उस पे up to 85% तक का ऑफ है। चलो भाई, बाकी कस्टमर से पूछते भाई सारा काम उनको कैसा लगा। साथ में अपने प्राउड ऑनर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए थे भाई, कैसा लगा सारा काम? बढ़िया लगा। गाड़ी की लुक की बात करें, जो चीज सोच कहते वो चीज मिल पाई आपको? माफिया लग रही है अंदर से पूरी भाई की एक डिमांड थी भाई की, कुछ भी ब्लैक, मतलब पूरा एक ब्लैक थीम चाहिए था भाई को अंदर से, ब्लैक लाइफ। हाँ चलो भाई ठीक है, बाकी 10 में से कुछ रेटिंग देनी हो काम को? 10 में से 10 है। और डिस्काउंट दिया भाई ने? नहीं दिया, अच्छा दिया ना। तो मार्केट से बात कर ले, मार्केट से कंपेयर करके प्राइसिंग आपने क्वालिटी प्लस प्राइसिंग बहुत अच्छे है। बाकी बबलू कुछ बोलना चाहते हो? वही अगर, लेकिन ऐसा काम करवाने के लिए रिक्वेस्ट है, टाइम जरूर लेके आना। भाई ने भाई बहुत ज्यादा टाइम दिया है अपने आज, माफी चाहता हूँ, टाइम काफी लगा इनका, लेकिन टाइम जरूर लेके आना, इस चीज का रिक्वेस्ट है। सुबह आना क्योंकि ये सब काम जो जितने भी डिप्ड वाले आइटम्स है ना, ये डिप्ड वाले या फिर जो पेंट वाले, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है पूरा अपना। बाकी ऑल ओवर अच्छा लगा ना काम? थैंक यू सो मच, थैंक यू।